NUHM प्रबंधकीय संविदाकर्मी ने किया अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश। NUHM प्रबंधकीय संविदाकर्मी ने आज अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश कर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में NHM संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण व वेतन विसंगति की समस्याओं के निस्तारण का वादा किया गया था, लेकिन सरकार द्वारा नियमितीकरण तो दूर की बात, संविदा कर्मचारियों के मानदेय संशोधन कर मानदेय देने की मांग पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जहां आज सभी NUHM प्रबंधकीय संविदाकर्मी अपनी मांगों को लेकर प्रदेश स्तर पर अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर हैं और आज सभी ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया है। संबंध में प्रदर्शन किया है और किसको ज्ञापन देने आए हैं? हम यहाँ कलेक्ट्रेट के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और हम NUHM अजमेर शहरी क्षेत्र के जो स्वास्थ्य मिशन है उसके तहत हम सभी कार्यरत हैं, प्रबंधकीय कर्मचारी हैं, PHM और SCDO हैं और हम सब ने केवल ये डिसीजन वेतन विसंगतियाँ और हमारे नियमितीकरण को लेकर सरकार ने जो वादे किए थे उनको, उन वादों को याद दिलाने के लिए, उनको पूरा करने के लिए हमने ये कदम उठाया है और हम किसी हड़ताल पर नहीं हैं, केवल हम सामूहिक अवकाश पर हैं और हमने केवल उन्हीं जायज़ मांगों के लिए हमारा ये प्रदर्शन है कि आप हमारे जो हमें मिनिम बिल्कुल ही जो हमारी घर की स्थिति जिसके अंदर हम कहते हैं कि एक परिवार अपना भरण पोषण नहीं कर सकता, उससे भी कम हमें वेतन 8-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। हमारी टीम ने शहरी क्षेत्रों के अंदर जो कोरोना सबसे ज़्यादा फैला था, जिसका आप सभी को दिन रात काम किया है, आप सभी को पता है कोरोना शहरी क्षेत्रों के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावित था, उस कार्य के अंदर हमारे PHM SCDO ने काफ़ी मेहनत की है और कंधे से कंधा मिलाकर और पूरी सुविधाएं दी है। जहाँ तक उन्होंने अपना तन मना, हम 3-3, 4-4 महीने तक अपने घर घर नहीं गए और हमने केवल इतना सा चाहा, हमें आप जैसे समाज सेवियों ने और बहुत से प्रतिष्ठित संस्थानों ने हमें अवार्ड दिए हैं और उन्होंने प्रशस्ति पत्र दिए हैं, लेकिन हमें जो असली प्रशस्ति पत्र था और जो वो सरकार से चाहिए कि सरकार हमारी मांगों को माने और हमारा वेतन विसंगति दूर करें और हमारा शोषण नियमितीकरण में शोषण से बचाएँ। नाम मेरा नाम बसंत कुमार राजौरिया, PHM शहरी। कितने आप संविदा कर्मी हैं और कब से जुड़े हुए हैं? संविदा कर्मी हम अभी जो हमारी यूनियन है वो NUHM की है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के तहत। पूरे राजस्थान में तो हम 350 से ऊपर है और अजमेर में हम करीब 22 के लमसम हम जो यहाँ पे कार्यरत हैं, पब्लिक हेल्थ मैनेजर अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे कार्यरत हैं। इससे पहले हमने CMHO साहब को, कलेक्टर साहब को 2 महीने पहले भी ज्ञापन दिए, हमने उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया है, लेकिन अभी तक हमारे कोई भी कार्रवाई आगे नहीं की गई है। हमने पहले भी उन्हें दिया था कि 25 अगस्त से हम सामूहिक अवकाश पर जा रहे हैं। हमारी डिमांड पहले तो नियमितीकरण की है, जो सरकार ने वादा किया था कि संविदा कर्मियों को नियमित करेगी, जो कमेटी उन्होंने गठित करी थी, लेकिन उस पर अगर विचार, अभी कमेटी की बैठकें चल रही हैं, उस पर अभी तक कोई विचार नहीं हो रहा है, कोई त्वरित निर्णय नहीं लिया जा रहा है। तो हमारी मांग यह है कि हमारा मानदेय संशोधित किया जाए जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया चल रही है। अभी कितना मानदेय है और अभी हम लोग 8-10 हज़ार के बीच में काम कर रहे हैं सभी लोग, बहुत ही न्यूनतम वेतन में। हमारे अजमेर से भी बाहर से कई लोग हैं जो यहाँ पर कार्यरत हैं। आपका परिचय बताएं। गरिमा गिलानी, अकाउंटेंट कम डेटा।